शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय, ये घर की होने वाली बहू रानी कहाँ चली? और ये तुम्हारा हाल क्यों बेहाल है? आय हाय, रो क्यों रही हो? क्या हो गया? तो क्या करे, आप अपने विक्रम से पूछिए। अरे सुनो, ना 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 ना। हे प्रभु, ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि इस घर में कांड होता रहे और हमारा जीवन ऐसे ही आनंदमय बीतता रहे। फोन उठाओ किरण, प्लीज फोन उठाओ यार, पिक अप द फोन। क्या है? तुमने चंपा को घर से निकाला? अगर नहीं निकाला है तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, मैं लंदन वापस जा रही हूँ। और अगर मेरी परवाह करते हो ना तो मुझे कॉल मत करना। अगर तुम यही चाहती हो तो आज के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा। अलबेला, जल्दी से सिलबट्टा लेकर आ बेटा, विक्रम और किरण के लिए हल्दी पीसनी है। ये ले पकड़, जल्दी से काम शुरू कर दे। ये सब विक्रम बाबू की हल्दी की तैयारियां हो रही है। और किसकी होगी? तेरी शादी में तुझे भी तो हल्दी लगी होगी ना। चल जल्दी से पीस दे। ला हल्दी मुझे दे, थोड़ी थोड़ी करके पीसनी है, ठीक है? दादी जी, ये हल्दी की रस्म क्यों मनाते हैं? हमारे यहाँ हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं हल्दी बहुत पवित्र होती है। जब दूल्हा दुल्हन को लगाते हैं तो उन्हें किसी की नजर नहीं लगती है, बल्कि होने वाली दुल्हन को ससुराल से पिसी हुई और ससुराल की ही हल्दी लगाई जाती है। लेकिन अम्मा जी, अगर हल्दी की रस्म के पहले दूल्हा दुल्हन को नजर लग जाए तो? तुमने सोच समझ के बोलना तो छोड़ ही दिया है माधुरी, ये क्या बेकार की बात कर रही हो? अम्मा जी, हम तो वो ही कह रहे हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा तुमने? अम्मा जी, अभी थोड़ी देर पहले ना किरण जा रही थी, चल के नहीं आंसुओं में तैर के जा रही थी अम्मा जी। हाँ, इतना रो रही थी कि क्या बताएं। हमने पूछा कि ये बहू रानी होने वाली, क्या हो गया तुमको? तो कहने लगी विक्रम से पूछो। विक्रम, किरण कहाँ गई और क्यों रो रही थी? विक्रम बता, क्या बात हुई है? हाँ, बात ये है ना कि किरण की विक्रम बाबू ने किरण जी का दिल तोड़ दिया। मतलब माँ जी, ये दिखते मनुष्य लेकिन है जिद के पिटारे। वो कहा है ना माँ जी, किरण जी चाहती थी कि हल्दी में ये दोनों एक ही रंग के कपड़े पहने, पर इनको देखिए, इन्होंने तो साफ मना कर दिया। कहने लगे कि ये सब तो बच्चों का खेल है। अब किरण जी की शादी हो रही है, वो बहुत ज्यादा खुश है, सपने देख रही है। बुरा मान गई, वो तो रूठ गई, लेकिन मजाल है जो इनकी नखरे छूटी हो। फिर कहा था, दोनों में बहसबाजी हो गई
और इसीलिए किरण जी रोते रोते घर से बाहर गई। पर उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ देर अकेले रहने दीजिए, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। विक्रम तू भी ना, अपने होने वाली दुल्हन को कोई रुलाता है क्या? अब जब वो वापस आएगी तो चुपचाप उसकी सारी बातें मानना। चलो तुम्हें कुछ काम देते हैं। अम्मा जी मादरी गर्मी में दूर। चलो तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? हमने कोई झूठ नहीं बोला बाबू, किरण जी वापस जरूर आएंगे, हम खुद उन्हें वापस लेकर आएंगे। जब तक तुम इस घर में हो ना चंपा, वो वापस नहीं आएगी। हम चले जाएंगे बाबू, पर हमारी वजह से जो आपके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, पहले उसे तो डाल दें। हम जल्द से जल्द पता करेंगे कि ये जो मोहिनी नाम की मुसीबत है वो आपसे क्या चाहती है और यहाँ का आए हैं। जैसे पीछा छुड़ा देंगे ये, हम किरण जी को भी वापस लाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन ये जो मोहिनी नाम की उलझन है, उसे सुलझाना कहाँ से शुरू करें? किरण, किरण, थैंक गॉड तुम मिल गई। अभी अभी तुमने बात की थी, तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा था मुझे, इसलिए चला आया। प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। किरण प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू किरण, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। तुम यही चाहती हो ना, मैं गोल्ड डिगर चंपा को घर से बाहर निकाल दूं? ठीक है, मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम प्लीज वापस आ जाओ, आई रियली लव यू किरण। तुम सच में उसे निकाल दोगे? हाँ, मैं उसे तलाक भी दे दूंगा। तुम सच कह रहे हो ना विक्रम? आई स्वेयर किरण, आज के बाद चंपा का चेहरा भी नहीं देखूंगा। है ना किरण? मैं ये सपना सच कर सकती हूं। आप लोग कौन है? डायन। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है चली जाओ। पर अगर चली गई तो विक्रम को हासिल कैसे करोगी? उसकी पत्नी और राठौर परिवार की बहू कैसे बनोगी? चंपा से बदला कैसे लोगी किरण?
हमारी मदद से ये संभव है। पर आप लोग तो मुझे जानते तक नहीं है, तो आप मेरी मदद क्यों करेंगे? जान जाएंगे इस घर से आपका क्या रिश्ता है, आप कैद काहे हैं और विक्रम बाबू को नुकसान काहे पहुंचाना चाहती है। हम सब कुछ जान जाएंगे। संभाल के गिरा मत देना, मटका कम कर तू। ए नौकरानी, क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? चाची जी, हम साफ सफाई कर रहे थे। वैसे आपसे एक बात पूछे, ये तस्वीर में जो लुगाई है वो कौन है? आए हाय, ये तस्वीर तुमसे बातें कर रही है क्या? नहीं ना, तो अपने काम से काम रखो। बढ़िया है। अलबेला, हमें लगा कि आपकी कोई दूर के रिश्तेदार है, बाकी सबकी तस्वीर तो दीवार पे टंगी हुई है, इनकी नहीं टंगी। हमें लगा आप लोग टांगना भूल गए होंगे। अरे बकरिया, ये तस्वीर तो फोटो वाली। ओ, ये हमारी ना पुरानी रिश्तेदार है, सब इनकी बहुत इज्जत करते हैं। तुमको पता है जिठानी जी और अम्मा जी की तो ये कतई खास है। जिठानी जी ने खुद इनकी तस्वीर फ्रेम करवाई थी, बस टंग नहीं पाई। तुम एक काम करो चंपा, ये तस्वीर नीचे दीवार पे ले जाके टांग दे, जिठानी जी बहुत खुश होंगे। चाची जी क्या है? काम कर, कुछ मटकता रहता दिन बच्चा, काम कर। उठा ये डब्बा। चलो माया भी लुकाई, अब आपको बाहर ले ही चलते हैं, शायद इसी बहाने आपकी राज भी बाहर आ जाए। विक्रम जल्दी आ जा, तेरी पसंद का राजमा बना है। उर्वशी, अरे पार में लग रहा हूँ। डर क्यों रही हो? माँ क्या हुआ आपको? माँ, माँ कुछ बोलिए, क्या हुआ? क्या पूछा, यहाँ फोटो किसने लगाई? हमने लगाया बाबू। ये तस्वीर स्टोर रूम में रखी थी, हमें लगा कि आपकी कोई दूर की रिश्तेदार है तो हमने लगा दिया। कौन है ये? हमने इन्हें इस घर में नहीं देखा। ये घर में परिवार रहता है और ये इस राठौर परिवार के सदस्य नहीं है। पर चाची जी ने तो हमें बिल्कुल उल्टी बात कही, उन्होंने कहा कि ये इसी परिवार का हिस्सा है। माधुरी! नहीं अम्मा जी, हाय कैसे झूठी है तू, हमने कब कहा? चाची जी आपने तो हमें कहा था ना, इसलिए हमने ये तस्वीर यहाँ लगा दी। अरे गजब कर दिया तूने रे, इतने विश्वास से तो कोई सच नहीं कहता जितने विश्वास से तू झूठ बोल रही है। और इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लेती। चाची जी आप क्या कह रही है? अलबेला जी आप भी तो वही थे ना, चाची जी ने हमसे कहा था ना। अलबेला चंपा सच कह रही? अलबेला जी बोलिए ना। नहीं भैया जी, ये झूठ बोल रही है। अलबेला जी विक्रम बाबू हम सच बोल रहे हैं, इन्होंने ही कहा था हमसे, हम सच कह रहे हैं। अम्मा
जी, अम्मा जी, ये घर हमारा मंदिर है और हम इस दांत की फोटो को अपने मंदिर में टांगने के लिए क्यों कहेंगे? हम अपनी बड़ी बहन जैसे जिठानी जी के पुराने जख्मों को क्यों कुरे देंगे अम्मा जी? हाँ, शादी के पहले सब कुछ हुआ था, हमको पता है, लेकिन अम्मा जी हमको ये भी पता है कि इस औरत की वजह से हमारे जिठानी जी के पति को इस औरत ने अपने रूप के जाल में फंसा कर इस घर से दूर कर दिया था, हमारी जिठानी जी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। चाची बस करिए। बेटा विक्रम, हम तो बस कर देंगे, हमारा क्या है, लेकिन हमारी जिठानी जी, इनको संभालो बेटा। बेचारी आज तक ये सोचकर दुखी होती होंगी कि काश अम्मा जी ने बड़े भाई साहब को उस दिन समझाया होता ना, तो उनको अपनी गलती का एहसास होता और वो शायद जिठानी जी के पास लौट कर आ जाते। लेकिन इस सौतन ने हमारी जिठानी जी से ये मौका भी छीन लिया। इस घटिया औरत के साथ साथ हमारे जेठ जी कार एक्सीडेंट में मारे गए। इस औरत ने हमारे जिठानी जी को विधवा और हमारे विक्रम बेटा को अनाथ कर दिया। बेटा तुझे समझ में आया कि ये घटिया औरत हमारे घर के खुशियों की दुश्मन है? दुश्मन? अब तू कहती है कि उस दुश्मन के फोटो को हमने अपने घर की दीवार में टांगने के लिए कहा? अरे तू घटिया औरत तो घटिया। अम्मा जी, अगर हमने ऐसा कहा है ना, इसकी फोटो टांगने के लिए कहा है ना, तो भगवान है ऊपर, भगवान हमारी जबान काट ले, ये धरती फट जाए, हम उसमें समा जाए, हम लूले हो जाए, हम लंगड़े हो जाए, हमको लकुआ हो जाए, हमको तीन आदमी उठा के ले जाए। मम्मी, मम्मी, बस, बस, बस। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमने आपका दिल दुखाया, हम अभी इस तस्वीर को निकाल देते। की आंखों में आंसू है तो विक्रम आग बुझाता है और आग सिर्फ जलाती है।
ये जलन तुम सह नहीं पाओगी चंपा, इसलिए तुम्हारे इस घर से बाहर जाना बेहतर होगा। निकल जाओ। I said get lost! मेरी माँ की आंखों में आंसू है तो विक्रम आग जाता है और आग सिर्फ जलाती है। ये जलन तुम सह नहीं पाओगी चंपा, इसलिए तुम्हारे इस घर से बाहर जाना बेहतर होगा। इसका मतलब चंपा एक डायन है, अगर वो है भी तो मैं उसके सामने कैसे लड़ पाऊंगी? हमारी मदद से अपना हाथ आगे करो। अंगूठी पहन के तुम मेरी भी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो जो मैंने परसों लगा के अर्जित की है। चंपा की कल की आई शक्तियां इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी किरण। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, रुपया, पैसा, ताकत? विक्रम मिलेगा?
सिंदूर? इसे सिंदूर कह के इसका अपमान मत करो। ये सिंदूर नहीं वशीकरण राग है। इसे तुम्हारी मांग में भर दे, विक्रम तुम्हारे वश में हो जाएगा। सामान तो लेती जाओ। सच कह रही है, इस वशीकरण रखो मेरी मांग में भरते से विक्रम वही करेगा जो तुम चाहोगी। वो तो चंपा को भी घर से बाहर निकाल देगा। तुम यही चाहती हो ना? थैंक यू। उल्टी गिनतियां शुरू कर दो मेरी डायनो। क्यों? हम छुपन छुपा खेल रहे महा डायन। पहले कौन छुपेगा? पहले आप छुपिए महा डायन। खेल खत्म होने वाला है रंभा, चंपा का खेल। अब बहुत जल्द किरण विक्रम को अपने वश में करके उस चंपा को घर से बाहर निकलवाएगी और बेचारी चंपा कुछ नहीं कर पाएगी। उस चंपा को अपनी सिंदूर की ताकत पे बड़ा घमंड है ना, कि उसमें उसकी देवी का आशीर्वाद बसता है। अब उस रक्षिणी की रक्षा करने कोई नहीं आएगा, ना उसका सिंदूर ना उसका भगवान। Thank you.
हम जानते हैं बाबू कि आप चाहते हो कि हम यहां से हमेशा के लिए चले जाएं, पर हमारी वजह से आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। जब तक वो नहीं डालते थे हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हमें अपने सिंदूर का फर्ज निभाना है। हम आपको वचन देते हैं बाबू कि जब तक हमने जो मुसीबत आपकी जिंदगी में लाई है उसे जड़ से नहीं हटा देते, दुख दान दर्द सब सहेंगे पर आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। ये गांठ उसी दिन खुलेगी जिस दिन हम मोहिनी को आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर नहीं करते थे। ध्रुव देख जरा बाहर अभी भी है क्या? वो भैया वही है। इतने घंटे हो गए जा क्यों नहीं रही? वेरी गुड। मौसम खराब हो रहा है तो जाना ही पड़ेगा उसको। रुक जाके देख के आना। गई क्या? भैया वो चली गई। हैंग ऑन मेरी इतनी जिद्दी क्यों है यार? हाँ जाती क्यों नहीं है? क्या चाहती है? इतनी फिक्र हो रही है तो जाकर पूछ लीजिए ना उससे। जाइए। मैं ही पूछ लेता हूं। जब तक बीमार नहीं पड़ोगी हिलोगी नहीं यहां से। हाँ वहां शेड में जाके बैठो। चंपा जिद मत करो, शेड में बैठो, बीमार पड़ जाओगी।
जाओ। हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि वो आपके अतीत की इतनी कड़वी बात है, वरना हम ऐसी गलती करते ही नहीं बाबू। अतीत को भुलाया जा सकता है चंपा, ये मेरा अतीत नहीं है, मेरा आज, मेरा आने वाला कल है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि पापा मेरी माँ और मुझे छोड़कर उस औरत के लिए चले गए, वो सच जो मैं कभी बदल नहीं सकता। एक बार अपना दर्द तो मैं संभाल भी लूं, पर माँ और दादी की आंखों में जो दर्द छलकता है ना, वो मुझे सारी उम्र तोड़ेगा, हर रोज तोड़ेगा। मेरा परिवार हर रोज सारी बातें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो सारे पुराने जख्म को ना ताजा कर देता है, जैसे आज तुमने किया। विक्रम, इसे अंदर लेके आ, कुछ बात करनी है। पंडित जी, और कोई उपाय नहीं है। बिटिया, डायन इतनी शक्तिशाली होती है कि उसकी तस्वीर में भी उसका साया रहता है, और यदि ये साया घर के पास से निकल जाए तो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, और आप लोगों ने तो पूरे घर के बीचों बीच उसकी पूरी तस्वीर को लगा के रखा है। बस यही एक उपाय है। शुद्धिकरण? क्या दादी, क्या हुआ? वो तस्वीर लगाने से घर में नजर लगने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पंडित जी ने कहा है कि पूरे घर का शुद्धिकरण कराना होगा। ए नौकरानी, तू लौट कैसे आई? इसे हम लेकर आए हैं क्योंकि पंडित जी कह रहे हैं जिसने वो तस्वीर लगाई है उसी के हाथों से घर का शुद्धिकरण कराना होगा। अपनी भूल सुधारने के लिए हम सब कुछ करेंगे दादी जी, आप बस हमें आदेश दीजिए। आदेश तो हम देंगे, लेकिन क्या ये तुमसे हो पाएगा? गंगा मैया से 101 घड़े जल भरकर लाना होगा, और उस जल से जिस दीवार पर तस्वीर को लगाया था उस दीवार को साफ करना होगा, और ये सब कुछ कल सुबह का सूर्य निकलने से पहले। सॉरी पंडित जी, मैं ये सब बातों में नहीं मानता। विक्रम बाबू। ए चंपा, अगर तुम चुनाव लड़ने जाओ ना तो हमारे विक्रम को साथ जरूर ले जाना, भर भर के तुम्हारा समर्थन करेगा। क्या हुआ? ताना मारने की आपकी पुरानी आदत से नाच ताना नया है। भैया कुछ गलत नहीं कह रहे, पर किसी को गंगा मैया से यहाँ तक एक घड़ा भरकर लाना पड़ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाए। 101 घड़े कौन लाएगा? हम लाएंगे। लेकिन दादी माँ, उसके बदले आपको हमें कुछ देना होगा। है? आ हा 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 हा। ए विक्रम, इसको तिजोरी की चाबी लाकर तो दे दे। ए लालच की पोटली, तू क्या मांगने वाली है जरा बता तो। पैसे, गहने, जवाहरात, हीरे, माधुरी।
ए लड़की, तुझे बदले में क्या चाहिए? तुझे बदले में क्या चाहिए? माफी। हमें सिर्फ माफी चाहिए। विक्रम बाबू, हम जानते हैं कि आपको पंडित जी की बातों पे विश्वास नहीं है, पर गलती करके माफी मांगने में तो विश्वास रखते हैं ना? हमारे यहाँ माँ को भगवान का रूप माना जाता है, और आज हमने अनजाने में भगवान का ही दिल दुखा दिया। आज हमारी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। हमारे सर से ये पाप हटा दीजिए, बस एक मौका, हमें एक मौका दे दीजिए प्लीज। ठीक है चंपा, अगर बिना कोई गलती किए तूने मेरे घर का शुद्धिकरण कर दिया तो तुझे मेरी माफी भी मिल जाएगी और तेरी नौकरी भी। हम आपको निराश नहीं करेंगे। माँ, मुझे ये बात समझ आ नहीं रही है कि वो औरत हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मर चुकी है, अब उसकी फोटो घर में हो या बाहर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है विक्रम, क्योंकि वो आज भी उर्वशी। माँ, वो आज भी क्या? वो आज भी हमारा अतीत बनकर हमारे साथ चल रही है, और अगर मन में कोई शंका हो तो उसे दूर कर लेना चाहिए, इसलिए शुद्धिकरण कराना चाहते हैं। यही कहना चाहते हो ना उर्वशी? दादी जी और माँ जी के चेहरे बता रहे कि ये जानती है कि मायावी लुगाई की कहानी उस दुर्घटना में खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच्चाई हमें इन्हीं दोनों से पता चलेगी। तो फिर तैयार रहा कि चंपा गंगा जल के 101 घड़े भर कर लाएगी और इस दीवार को साफ करेगी, और उसके बाद पूरे घर का शुद्धिकरण करेगी। विक्रम, तुम उस पर नजर रखोगे ताकि चंपा कोई गलती ना कर पाए। स्नान करके और चप्पल उतार के। मतलब ये विदाउट चप्पल गंगा मैया से यहाँ तक आएंगी जाएंगी? अरे दिस इज टू मच। ये इम्तिहान है और हमें मंजूर है। क्या क्या हो तो हम शुरू करें। अम्मा जी, हम आपको एक बात बताएं, ये नौकरानी ना दो तीन चक्कर में घन 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 टक्कर खा के गिर जाएगी। लगे सो सो की शर्त।
पटका पकड़ो, आओ हमारे साथ। ये माँ बेटे एक जैसे क्यों हैं? लगता है चंपा का वो हवेली छोड़ के जाने का वक्त आ गया है महाराज। सूर्योदय के पहले गंगा मैया से 101 घड़े भर के लाना इतना आसान काम नहीं है। वो नहीं कर पाएगी, हवेली से धक्के खाकर बाहर निकलेगी। फिर तो हमें किरण की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो चंपा है और चंपा ढीठ है। उसने काम कर दिया तो तुम क्या करेंगे माँ डायन? मैं हूँ ना, मेरे रहते चंपा कुछ नहीं कर पाएगी। जय गौरी मैया। नहीं छोटी कुमारी, आज नहीं। हमने माँ जी से वादा किया है कि ये कार्य हम अकेले ही करेंगे। चंपा, हो गया, बस बहुत हो गया। अभी घड़ा मुझे तो, मैं लेके जाता हूँ। हमारी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए आप। अरे माँ और दादी को कुछ नहीं बताऊंगा कि मैंने तुम्हारी मदद की है, ठीक है? मतलब आप अपने परिवार वाले से झूठ बोलेंगे? हर बात को इतना ओवर ड्रामेटिक बनाने की जरूरत नहीं होती है चंपा। 101 गड़े गंगा जल भर के घर लेके जाना है, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। किसी को नहीं पता लगेगा कि मैंने। तो पता चलेगा ना, माँ जी से झूठ नहीं बोल सकते, वो हमारी सास। हमारा मतलब है वो हमारी बड़ी है, और बड़ों से ना झूठ नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ कहते हैं कि कौवा काट लेता है। अच्छा, और कौवा अगर छुट्टी पे हुआ उस दिन तो? कबूतर क्या कौवे का मास्क पहन के आएगा क्या बताने के लिए उनको? क्या बात कर रही हो? चंपा सुनो मेरी बात, अभी ना तुम जोश में मुझे सीरियसली ले नहीं रही हो। टोटल 101 घड़े गंगा जल भरने हैं, 202 ट्रिप लगेंगी घर तक। आते आते एंड तक हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तो हालत हमारी खराब होगी ना, आपकी थोड़ी। हाँ तो वो मुझसे देखी नहीं जाएगी ना। क्यों, क्या लगते हैं आप हमारे? जो जी मैं करूं, मुझे क्या? विक्रम और नौकरानी के बीच में कुछ तो चक्कर है, पता तो करना पड़ेगा। हाय चंपा। विक्रम ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है, फिर भी तुम्हें ऐसे नौकर जैसा रखता है, और उसके घर वाले तो तुम्हें अक्सर घर से निकालते रहते हैं, फिर भी तुम उनके लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो? लगता है आजकल आप हमारी सिंदूर की शक्ति से डरने लगी हैं मोहिनी जी, तभी तो ऐसे घुमा फिरा के बात कर रही हैं। घुमा फिरा कर कह रही हैं कि हम वो हवेली छोड़कर चले जाएं, पर हम भी ना जित के पिटारे हैं। हम बाबू को आपके रहमो करम पर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अपने बाबू से उनके पिता को छीन लिया, वो परिवार को कभी ना भरने वाला जख्म दिया, अब भी आप बाबू की जान के पीछे काहे पड़ी हैं? राठौर परिवार पे मेरा कर्ज है, और वो विक्रम ही चुकाएगा। और सिर्फ विक्रम बाबू ही क्यों? अच्छा, तो तुम्हें सच तो पता चल गया है, पर पूरा सच नहीं पता चला। पूरा सच? ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? आप बताइए ना हमें। मुझे ऐसी बुरी आदतें नहीं है। तुम्हारे लिए यही भलाई है कि तुम जितना जल्दी हो सके राठौर परिवार से दूर चली जाओ, वरना तुम जितना सह सकती हो ना, उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें तड़पाऊंगी।
किसी अच्छी जगह जाके अपनी नई जिंदगी शुरू कर लो। मेरी दी हुई शक्तियों को मेरा तोहफा समझ लो, समझ गई? इन शक्तियों को इस्तेमाल करके तुम दुनिया की सारी दौलत हासिल कर सकती हो। जाओ चंपा जाओ। हम इस दुनिया की का उस दुनिया की भी सबसे बड़ी दौलत हासिल कर चुके हैं, और कागज के चंद टुकड़ों के लिए हम वो खजाना नहीं गवा सकते। खजाना? कौन सा खजाना? हमारा सिंधु। कर दी ना छोटी बात, तुम अब डायन हो, डायन। हम एक सुहागन है, और हर सुहागन सावित्री का रूप होती है। सदियों पहले सावित्री ने भी अपने सिंदूर की शक्ति के बल पे अपने सुहाग को यमराज से बचाया था, उनसे लड़ी थी वो। हमें तो सिर्फ आपसे लड़ना है। हम आपसे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। सदियों पहले भी सिंदूर का रंग गाढ़ा था और आज भी गाढ़ा है। इस युद्ध में हम बाबू की ढाल हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। जय गौरी मई। आज के जमाने के इस सावित्री को आग से खेलने का बहुत शौक है ना? ठीक है, इसका ये शौक भी पूरा कर ही देते हैं। फिर देखते हैं ये अपने सत्यवान को हमसे कैसे बचाती है। सिंदूर की शक्ति यहां किसी काम नहीं आने वाली है। अब हमारी जिंदगी आपके हाथ में है। अब आप ही हमारी नई अपार लगाइए।
चंपा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रही हो, पैरों में लगी है? हाँ बोला था ना, टोल्ड यू, कम ऑन दैट्स एनफ नाउ। मतलब बस हो गया, चुपचाप बैठो अब चलो। हमारे गांव की मिट्टी इतनी भी कमजोर नहीं कि हम चार कदम में टूट के बिखर जाए। हम अपना कार्य किए बिना नहीं रुकेंगे। ए नौकरानी, इस हवेली में ऐसे कौन से हीरे जवाहरात जड़े हैं रे जो तू इतना मर खप रही है? अरे किसी और घर जा, काम ढूंढ ले, मिल जाएगा तुझे। और हर दूसरे तीसरे मिनट ये विक्रम से क्यों खुसुर फुसुर करती रहती है तू? तेरा कुछ तो राज है, लेकिन तेरा हर राज ये माधुरी पता करके रहेगी। हमारा कौन सा राज चाची जी? हमने तो सबके सामने दीवार पे तस्वीर लगाई थी, बस उसी के पाप धो रहे। लेकिन किसी को आपके राज के बारे में नहीं पता ना, कि आपने ही हमसे कहा था कि वो तस्वीर हम दीवार पे लगाते। एक काम करते हैं, हम खुद आपके पाप धुलवा देते हैं। ये गंगे धुल गए आपके सारे पाप। चाची जी हमें 101 घड़े क्या 102 घड़े भी भरने पड़े ना, हमें मंजूर है, पर अपनी प्रिय चाची के पाप ना धुलवाए वो मंजूर नहीं है। हमें अपने मेकअप की कसम, बहुत तीखी मिर्ची हो रही है ना, हमने भी इसको कच्चा ना चबाया ना तो हमारा नाम माधुरी नहीं।
तुम लोग जानते हो ना, जब रावण को सीता माता का हरण करना था तब उसने क्या किया था? मुझे पता है, मैं बताऊं महानायक? हम जानते हैं महानायक। बस अब हम भी वही करेंगे। चंपा, 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 चंपा।